नमस्कार। यूपी के बदायूं से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए औषधीय पौधे, हुआ महायज्ञ, भक्तों का लगा तांता। यूपी के बदायूं में गायत्री परिवार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक कर महायज्ञ कराया, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहा। उजहानी नगर के समीपवर्ती गांव तिलिया खाता में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में प्रखर बाल संस्कार शाला की ओर से गायत्री महायज्ञ हुआ और औषधीय पौधे लगाए गए। ग्रामीणों ने हरितिमा संवर्धन का संकल्प लिया। गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि हरे पौधों के अंधाधुंध कटान से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो गया है। प्रलयकारी प्राकृतिक प्रकोपों, बाढ़, भूकंप, तूफानों, अग्निकांडों और मौसम परिवर्तन के भय परिणामों से बचने के लिए हरितिमा संवर्धन करें। समाजसेवी रामनिवास शर्मा, ओमवती और बेलवती ने पौधों का पूजन किया। इस मौके पर राजीव शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, कौशल, कैलाश, राजू, भगवती, लकी, शालिनी, सलोनी, बेलवती आदि मौजूद रहीं। इंडिया पावर न्यूज के लिए बदायूं से देवी गुप्ता की रिपोर्ट। आज का वातावरण दूषित हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से जीव जंतु और पशु पक्षी बेमौत मर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जरूर कुछ सुधार हुआ है और मैं आपको बता दूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए 10 पेड़ों की आवश्यकता होती है, और जबकि एक पेड़ पर 36 लोग आज के समय में सांस ले रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए खतरा है। और मैं आपको बता दूं कि अपने उत्सव जन्मदिन उत्सव या कोई पर्व त्यौहार पर एक पौधा लगा करके प्राकृतिक वातावरण को सुंदर बनाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।